हिमाचल की राजधानी शिमला में भारी बारिश से तबाही, गाड़ियों पर गिरे पेड़। बारिश से दरके पहाड़, हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन, सड़कों पर आया मलबा। वाराणसी में वरुणा नदी उफान पर, बुनकरों की बस्ती डूबी। फतेहपुर में गंगा और पांडू नदी का कहर, गांव में भरा पानी, खेत खलिहान डूबे। फरुखाबाद में शहर बना तालाब, करीब 1500 घर की पहली मंजिल तक भरा पानी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर होगा कड़ा प्रहार, पहली बार जी कंपनी के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार हुआ अमेरिका। भारत ने किया लश्करे तैयबा पर बैन के अमेरिकी फैसले का स्वागत, आतंकवाद के खात्मे में सहयोग पर बनी सहमति। भारत और अमेरिका का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कहा अपनी धरती का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल रोके पाकिस्तान। भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का मजबूत दौर, 2+2 संवाद के तहत बातचीत, अहम रक्षा समझौते कॉमकॉस पर दस्तखत। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पुलिस महानिदेशक वैद्य का तबादला, डीजीपी जेल दिलबाग सिंह को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीपी का भी पंचायत चुनाव के बहिष्कार का अल्टीमेटम, कहा पहले 35A के आशंकाओं को दूर करे केंद्र। अब तेल की बढ़ती कीमतों पर होगा बंद, 10 सितंबर को कांग्रेस ने किया भारत बंद का ऐलान। मोदी सरकार पर कांग्रेस का जोरदार हमला, महंगाई, बेरोजगारी, गिरते रुपए और तेल की कीमतों को लेकर कसा तंज। 10 सितंबर से 40 दिनों तक चलेगा कांग्रेस का कैंपेन, पार्टी के लिए चंदा वसूलेंगे कार्यकर्ता। तेल की महंगाई के खिलाफ कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर सवार होकर जताया विरोध। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का बड़ा सियासी दाव, 8 महीने पहले विधानसभा बंद। सत्ता छोड़ने के बाद चुनावी तैयारी में जुटे केसीआर, जारी किए अपने 105 उम्मीदवारों की लिस्ट। दोस्ताना जंग की तैयारी में है टीआरएस के मुखिया केसीआर, बीजेपी विधायकों वाली सीट के लिए फाइनल नहीं किए उम्मीदवार। गोवा में सियासी घमासान के बीच अमेरिका से लौटे मुख्यमंत्री पर्रिकर, कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन की मांग। एससीएसटी एक्ट के बवाल पर बोले शिवराज, आज तक से बोले बीजेपी के लिए सब एक। शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जो चाहे कर ले, जनता हमारे साथ। शिवराज बोले मुझ पर पत्थर फेंकवाते हैं, मेरी जान जा सकती थी, ये बौखलाहट में सब कर रहे हैं। राहुल की नियुक्तियों पर खड़गे ने उठाए सवाल, कहा 5 में से 3 सचिव अनुभवहीन, नहीं कर सकते उनके साथ काम। राहुल ने खड़गे को बनाया था महाराष्ट्र का प्रभारी, सूत्रों के मुताबिक बीएम संदीप, संपत कुमार और वश्मी रेड्डी के काम से खड़गे नाखुश। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।